हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटी वॉलेट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्ले ग्रुप एंड नर्सरी की इंग्लिश वर्कशीट्स एंड कुछ बेसिक वर्कशीट्स भी हैं जो मैंने बनाई हैं, ताकि बच्चों को पहले वो थोड़ी एक्टिविटी करनी कैसी हैं वो समझ में आ जाए। तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं बेसिक स्टार्टिंग एक्टिविटी की तरफ। तो इसमें फर्स्ट है हमारी बेसिक कलर मैचिंग एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे दोनों तरफ हमने कुछ सर्कल्स बनाए हुए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, लाइक ऑरेंज, ग्रीन, रेड, पर्पल, ब्राउन एंड ब्लू। देन बच्चे को सिंपल इस साइड भी सेम कलर वाले सर्कल के साथ उसे मैच करना है, लाइक ऑरेंज को ऑरेंज के साथ, ग्रीन को ग्रीन के साथ, रेड को रेड के साथ, पर्पल, ब्राउन। बच्चा सर्च करेगा कि पर्टिकुलर कलर वाला सर्कल किस जगह पे है और उसके साथ उसे मैच करेगा। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी, बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है जो प्ले ग्रुप के बच्चे के लिए बच्चे कर सकते हैं, ताकि उन्हें वो एक्टिविटीज़ करनी कैसे हैं, मैचिंग करनी कैसे हैं, इसकी नॉलेज उन्हें सबसे पहले मिले। सेकेंड इसी तरह से है शेप मैचिंग एक्टिविटी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई हुई हैं, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, स्टार, डायमंड एंड स्माइली, और इस साइड भी सेम शेप्स हैं। बच्चे को पर्टिकुलर शेप के साथ मैच करना है, लाइक स्टार को स्टार के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, शेप्स में। अब जो प्ले ग्रुप क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें भी शेप्स हम बताते हैं, उन्हें बेसिक शेप्स पता होती हैं, और नर्सरी के बच्चों को भी बेसिक शेप्स पता होती हैं। तो ये शेप किसी भी तरह की आप शेप्स इसमें बना सकते हो, और वो शेप को बच्चों को मैच करना है, जैसे स्माइली को स्माइली के साथ। मेरा बेटा है 2.5 ईयर्स का, तो उसे सभी शेप्स पता हैं और वो बहुत अच्छे से ये एक्टिविटीज़ कर लेता है, सारी शेप्स उसे मालूम है। इसी तरह से है नेक्स्ट वेदर मैचिंग। वेदर, बच्चे को हम वेदर्स भी बताते हैं, समर क्या है, विंटर कौन सा सीज़न है, रेन हो रही है, ये बेसिक चीज़ें उन्हें हम समझाते हैं और बताते हैं। लाइक यहाँ पे हवा चल रही है, विंडी है, तो विंडी है मतलब यहाँ पे विंडी, विंडी के साथ उसे मैच करना है। स्नोमैन बना हुआ है, स्नोमैन कब होता है, जब स्नो होती है, देन स्नो के साथ उसे मैच करना है। सन है, हीट है, अम्ब्रेला भी है, एंड कोई मैन है वो यहाँ बैठा हुआ है, मीनिंग सन है इसलिए उसने अम्ब्रेला लिया हुआ है, देन सन के साथ मैच करना है। रेन, सिंगल अम्ब्रेला बना हुआ है, रेन के साथ उसे मैच करना है। तो ये सारी वेदर एक्टिविटीज़ हैं। पिक्चर्स आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लिए हैं, तो ये कुछ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं। इसी तरह से फ्रूट एंड वेजिटेबल सॉर्टिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब बच्चों को हम फ्रूट्स कौन से हैं और वेजिटेबल्स कौन से हैं वो भी हम बताते हैं, फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये बच्चों को पता होते हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे भी और नर्सरी के बच्चे भी। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पिक्चर हैं, देन उनको सिर्फ मैच करना है, लाइक दिस इज़ टमाटो, तो टमाटो, टमाटो इज़ अ वेजिटेबल, देन बच्चे को वेजिटेबल के साथ टमाटो को मैच करना है। सेकेंड वन इज़ बनाना, बनाना इज़ अ फ्रूट, फ्रूट के साथ उसे मैच करना है। इसी तरह से सारी की सारी एक्टिविटी, सारे के सारे फ्रूट्स, आप जो बच्चों को पता है उन फ्रूट्स की पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स की पिक्चर्स यूज़ की हुई हैं। इसी तरह से है ब्रिंजर, ब्रिंजर, ब्रिंजर इज़ अ वेजिटेबल, बच्चा बोलेगा ब्रिंजर इज़ अ वेजिटेबल, देन वेजिटेबल के साथ मैच। दिस इज ऑरेंज, ऑरेंज इज़ अ फ्रूट, कैरेट, कैरेट इज़ अ वेजिटेबल, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल इज़ अ फ्रूट, कैप्सिकम, कैप्सिकम इज़ अ वेजिटेबल। यानी ये कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल सॉर्टिंग की वो है। नेक्स्ट है इसी तरह से हमारी ऑपोजिट मैचिंग। अब बच्चों को हम ऑपोजिट्स वर्ड्स भी बताते हैं, बेसिक ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो उनके साथ डेली हम यूज़ करते हैं, वो ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे बिग, बिग के साथ स्मॉल, हॉट, कोल्ड, हैप्पी, सैड, ओपन, शट और क्लोज, जो भी आपने बच्चे को बताया है, फास्ट, फास्ट, स्लो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड्स हैं, बेसिक ऑपोजिट वर्ड्स जो सिंपल हम प्ले ग्रुप में बच्चों को सिखाते हैं। जिस तरह मैंने अपने बेटे को, उसको एटलीस्ट 20 ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, तो ही इज़ 2.5 और वो उन्हें बताता है अच्छे से और समझता भी है, उनके मीनिंग भी समझता है। तो इसी तरह ये कुछ ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश वर्क बुक्स, इंग्लिश वर्कशीट फॉर प्ले ग्रुप एंड नर्सरी। अब कुछ इंग्लिश की हैं जिसमें ए बी सी, फर्स्ट है हमारी अपर केस विद लोअर केस। अब बच्चे को हम अपर केस ए बी सी डी ये तो बता देते हैं, एंड लोअर केस का भी हम उन्हें बाद में बताते हैं, तो उसको अच्छे से और रिवाइज करने के लिए और उनको अच्छे से बताने के लिए, देन अपर केस को लोअर केस के साथ भी बच्चे को मैच करना है, लाइक ए, कैपिटल ए, देन यहाँ बच्चे को सर्च करना है ए है, तो ए यहाँ पे कहाँ है, दिस इज़ ए,
देन कैपिटल ए को मैच करना है उसे ए के साथ, बी यहाँ पे बच्चे को बी मैच बी सर्च करना है, वेयर इज़ बी, दिस इज़ बी, देन बी के साथ उसे मैच करना है। इसी तरह से पूरे वर्ड्स यहाँ पे लोअर केस के साथ उसे मैच करने हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट एक्टिविटी। सेम इसी तरह से है हमारी सेकंड एक्टिविटी, सेम है बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बच्चे को कन्फ्यूज करने के लिए हमने इसमें बी क्यू डी पी ऐसे कुछ वर्ड्स डाले हैं जो इसमें बच्चा कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि ये वर्ड्स बच्चे को देखने में एक जैसे लगते हैं। लाइक बी, वेयर इज़ बी, बच्चा बी, क्योंकि देखो डी पी क्यू बी, बच्चा इन्हीं में कन्फ्यूज़ होता है, तो हमने वही वर्ड्स को यहाँ पे, वही अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे हमने यूज़ किया है। एन, वेयर इज़ एन, एन, यू, अब इसमें यू एंड एन कुछ मैचिंग है, सेम एक्टिविटी है फर्स्ट की तरह ही हमारी सेकंड भी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स के साथ। सेकंड है फाइंड अल्फ़ाबेट्स एंड कलर द सर्कल। अब यहाँ पे है बी डी पी एंड क्यू, बच्चे को यहाँ पे फाइंड करना है वेयर इज बी, बी कहाँ पे है, बच्चे को देखना है बी कहाँ पे है, दिस इज़ बी, नेक्स्ट बी, बी, तो जहाँ पे भी बच्चे को वो बी मिलेगा, बच्चे को यहाँ पे कलर ब्लू कलर के साथ उसे सर्कल को कलर करना है बी को। इसी तरह से नेक्स्ट है डी, बच्चे को डी सर्च करना है और डी को ग्रीन कलर के साथ कलर करना है। पी, पी सर्च करना है, पी को रेड एंड क्यू को पिंक कलर देना है। देन ये सारी की सारी वर्कशीट में उसे ये अल्फ़ाबेट सर्च करने हैं और उस पर कलर करने हैं। फोर्थ है हमारा सर्कल द अल्फ़ाबेट, सर्कल ए, बच्चे को यहाँ पे एक एक अल्फ़ाबेट को पढ़ना है और जहाँ पे भी उसे ए मिलेगा उस ए को सर्कल करना है, जहाँ पे भी ए मिलेगा ए को सर्कल करना है। सर्कल द पी, पी, सर्कल ए, कैपिटल ए इन लोअर केस ए, ए सर्कल डब्ल्यू, डब्ल्यू, अब ये जो अल्फ़ाबेट है एक बार भी हो सकता है या दो बार भी हो सकता है। देन इसमें क्या है, बच्चा एक एक अल्फ़ाबेट पे जाएगा, पढ़ेगा वो कौन सा अल्फ़ाबेट है और जब जो भी उसे मैचिंग अल्फ़ाबेट मिलेगा उसके ऊपर उसे सर्कल करना है। इसी तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी मैच अल्फ़ाबेट विद पिक्चर। अब बच्चे को यहाँ देखना है, दिस इज़ ए एप्पल, अ एप्पल, बच्चे को आप उसकी साउंड के साथ भी बता सकते हैं और अल्फ़ाबेट के साथ भी बता सकते हैं। बच्चे को एक एक अल्फ़ाबेट पढ़ना है, जहाँ पर भी उसे मिलेगा पिक्चर से रिलेटेड अल्फ़ाबेट उसके साथ उसे मैच कर देना है। नेक्स्ट है ब, बॉल, ब ब बॉल, बी, बी फॉर बॉल, बी, बी फॉर बॉल, सी नो, पी नो, डी नो, तो बच्चे को एक एक बॉक्स के ऊपर जाके एक एक अल्फ़ाबेट को रीड करना है और पर्टिकुलर पिक्चर के साथ उसे रिलेट करना है। डक, डी डक, बी नो, सी नो, पी नो, अगेन डी डक। इसी तरह की एक और शीट है नेक्स्ट फॉर फिश, हैन एंड काइट, इसको भी उससे रिलेटेड अल्फ़ाबेट के साथ ढूंढना है बच्चे को और मैच करना है। फ फ फिश, एफ एफ, लोअर केस भी हैं कैपिटल के लेटर भी हैं, अपर केस लेटर भी हैं। इसमें बच्चे को, अगर आपके बच्चे को लोअर केस अल्फ़ाबेट्स की अभी नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ उसे कैपिटल वाले भी यूज़ बता सकते हैं, कैपिटल वर्ड्स भी लिख सकते हैं, इसमें आप लोअर केस को स्किप कर सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं। हैन, काइट, के काइट। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी मैच पिक्चर विद अल्फ़ाबेट्स, सेम है, थोड़ा डिफरेंट है उससे हल्का सा। जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं, इसमें भी एप्पल, ए एप्पल के साथ मैच करना है, उसे अल्फ़ाबेट कैपिटल के साथ भी मैच करना है और सेम यही हमने यहाँ पे जंबल करके लिख दिए हैं स्मॉल लेटर में, तो उसे स्मॉल के साथ भी मैच करना है। एप्पल, ब ब बी बॉल, ब ब बॉल, बॉल, तो मैं मीनिंग बच्चे को यहाँ पे कैपिटल लेटर
और स्मॉल लेटर दोनों में सर्च करना है एंड दोनों के साथ उसे यहाँ से मैच करना है, कैपिटल ए बी सी भी और लोअर केस ए बी सी भी। अगर बच्चे को अपर केस पता है लोअर केस नहीं पता है तो आप ये लोअर केस वाला छोड़ सकते हैं, आप सिर्फ उसे कैपिटल लेटर के साथ मैच करना बता सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ मैच करना बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ज्वाइन अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड। लाइक बच्चे को यहाँ पे सर्च करना है ए, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, तो बच्चे को सी सर्च करना है एंड सी, सी के बाद डी, ई, एफ, नेक्स्ट जी, एच, आई, जे, इसी तरह से बच्चे को पूरा बनाते बनाते जेड तक उसे लेके जाना है, जेड तक वापस मैच करना है, उसे ज्वाइन करने हैं ए टू जेड तक। मैच अल्फ़ाबेट विद पिक्चर, अब यहाँ पे है ए, ए के साथ रिलेटेड पिक्चर्स जो भी हैं वो बच्चे को मैच करनी है, लाइक एप्पल, और ए से यहाँ पे क्या है एक एक पिक्चर पे बच्चा जाएगा देखेगा ये पिक्चर कौन से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है, एलिफेंट है तो ई से है, कैट है वो सी से है, डक है डी से है, इसी तरह सारी पिक्चर्स पे जाते हुए ए, एरोप्लेन, ए एंट, डी, डी फॉर डोर, डी फॉर डक, डी फॉर ड्रम। मीनिंग बच्चे को ये नहीं कि सिर्फ ए फॉर एप्पल ही हमने बताया, उसे उसकी विकैबलरी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसे ए से ही डिफरेंट डिफरेंट और भी चीज़ें बताएंगे ए बी अल्फ़ाबेट्स के, और उनके साथ उन्हें मैच करने के लिए देंगे। नेक्स्ट है मिसिंग द अल्फ़ाबेट। अब बच्चे को ए बी सी सारी एज जर तक आ जाती है इस टाइम तक नर्सरी के बच्चों को, और प्लेवे के बच्चों को भी पूरी ए बी सी जेड तक आती है। हाँ उन्हें लिखना नहीं आता है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, लाइक ए, ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, इसी तरह पूरा जेड तक आप उन्हें बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैटरपिलर की शेप बनाई हुई है, आप कोई भी और भी शेप यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेन बना सकते हैं, आप किसी और तरह के ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल शेप ट्रायंगल्स बना सकते हैं, किसी भी तरह की शेप्स आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सर्कल द ऑड अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए इज़ राइट, ए इज़ ओके, वी, वी इज़ ऑड, यहाँ पर ए है, तो मतलब ए से मैच नहीं हो रहा है जो ऑड अल्फ़ाबेट को बच्चे को सर्कल करना है। आप सर्कल के साथ उसे क्रॉस करने के लिए भी बोल सकते हैं, सर्कल करने के लिए बोल सकते हैं, जो भी उसे ऑड अल्फ़ाबेट मिलता है। एन, 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 एम, डब्ल्यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू। तो ये थी मेरी लास्ट एक्टिविटी शीट, ये कुछ मैंने बेसिक सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कुछ इंग्लिश की वर्कशीट्स बनाई हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह से मैं कुछ और एक्टिविटी शीट भी आपके साथ आने वाले कुछ टाइम में शेयर करूँगी, और मैं इस पूरी कम्प्लीट एक्टिविटी शीट की एक PDF अपने वीडियो के नीचे अटैच कर दूँगी, लिंक डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट, कुछ कलर भी हैं, अब मैंने इसमें खुद कलरिंग खुद की हुई है, ब्लैक एंड वाइट कलर प्रिंट आउट लिए हैं, और मैं अभी इसकी PDF अटैच कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।